अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद सज्जाद और मैं हूं अहमद खोकर। तो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं 21 मिस्टेक्स इन बेल बॉटम। ओ मिस्टेक भी नहीं है उसमें यार, मूवी हर मूवी में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं। बस मैंने थोड़ी सी बताई है 21, तो इसका मैंने 21 थोड़ी होती है एक मूवी में, और बहुत ज्यादा यार मिस्टेक्स है इसने, जो मेन मेन मिस्टेक है ना वो शायद बताई होंगी। तो फिर वो क्या टाइम वेस्ट किए, रिएक्शन देते हैं। बेल बॉटम भाई लोग, बेल बॉटम की मिस्टेक्स मैं बताता हूँ, पर सबसे पहले मैंने आपका फिल्म सिंस वाला कीड़ा चेक कर लिया। आप मुझे बताओ कि इस पिक्चर में क्या मिस्टेक है, और से देखो और कमेंट में बताओ। और अगर तब भी ना दिखे तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसका राज मैं वीडियो के एंड पर ही फाश करूंगा। और हाँ भाई, अगर तेरे यार ने हंस लिया हो तो बारिश बंद करवा दे। अब इस सीन में जब ये लोग आ रहे हैं तो ये गाड़ी एकदम लाइन के ऊपर खड़ी हुई है। अक्षय पाजी पास से गुजर रहे हैं तब भी ऊपर ही है लाइन की, पर जैसे कैमरा फ्रंट से दिखाता है तो ये गाड़ी तो इस लाइन से इतना दूर खड़ी है। अभी नहीं, क्योंकि भाई अब बहुत बड़ा जादू होने वाला है, क्योंकि यहाँ अक्षय पाजी के पीछे कुछ भी नहीं है। पर जब मैंने टीजर देखा तो इनके पीछे तो इतना बड़ा प्लेन खड़ा था, मतलब पूरे का पूरा प्लेन ही गायब कर दिया इन्होंने इस मूवी में। अभी भी नहीं, क्योंकि इस सीन में अक्षय पाजी का ये वाला हाथ एकदम खाली है, पर जैसे कैमरा फ्रंट से दिखाता है तो इनके हाथ में तो एकदम से रिस्ट हो जाती। इस सीन में ये बंदा और अक्षय पाजी इस रूम नंबर 6 के दरवाजे का लॉक उड़ा कर अंदर घुसते हैं, और जब ये अंदर लड़ रहे हैं तो ये दरवाजा तो एकदम फिट है, मतलब इत्तू साबे कोई निशान नजर नहीं आ रहा, जबकि इसे अच्छा भला उड़ाया था इन्होंने। और फिर अबे यार वो तो सही है कि ये बंदा एक टेररिस्ट है, पर लिटरली आई कैन फील द पेन ब्रो। आई मीन इसकी शक्ल देखकर लग रहा है कि 3-4 दिनों से इसे टट्टी नहीं है, जोर भी लगाता होगा तो बस हवा ही निकलती होगी, जिससे ये सिर्फ मोमबत्तियां ही बुझाता होगा। और आज ये फाइनली हगने बैठा ही होगा कि अक्षय पाजी ने छापा मार दिया। ऊपर से कहते हैं ये ले पांच। अरे अक्षय पाजी उससे मुंह साफ करते हैं यार, इतना भी सेफ वाटर नहीं करना कि पिछू धोने से ज्यादा पानी टावल धोने पर लग जाए। आई मीन सपोज कि इसके बाद किसी ने इस टावल से मुंह साफ कर लिया। भाई लोग, इस फिल्म में स्टोरी 1984 की जा रही है, हर जगह पुरानी गाड़ियों और पुरानी चीजों को यूज किया हुआ इन्होंने, जो कि 1984 में थी। पर इस सीन में अक्षय पाजी के पीछे और पीछे से रेत का तूफान आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट सीन में ये प्लेन उड़ के उस तूफान से निकल आता है। पर लिटरली यार ये क्लियरली फेक प्लेन लग रहा है, क्योंकि इस प्लेन के इतने बड़े बड़े हैं दरवाजे, और इस वाले के दूसरे दरवाजे बना के थोड़े से बस बड़े लग रहे हैं। नहीं मतलब क्या लोगों ने बैठ बैठ के बाहर निकलना था, ऊपर से ये काबिन बनाना भूल गए। और नीचे से प्लेन देख लो, यहाँ पूरा प्लेन हाईजैक हो गया, लोगों को थप्पड़ पड़ रहे हैं, हर जगह लोग डरे बैठे हैं। पर ये वाली आंटी को बताने किस बात की, is it? अब ये हंस रही है या फिर इनका रोना भी हंसना टाइप ही है, उसका मुझे नहीं पता। इस सीन में ये बंदा पीछे गोलियां पर गोलियां चला रहा है, पर पीछे बेल बॉटम भैया को इतनी सी भी नहीं लग रही। अच्छा ये छोड़ो, गोलियां तो इस जीप को भी नहीं लग रही। अच्छा भाई लोग, स्टोरी इस मूवी में 1984 की दिखाई हुई है, पर रिपोर्टर ने कैमरा आज वाला ही पकड़ा हुआ है, मतलब पहले ऐसे कैमरास होते ही नहीं थे भाई। और इस सीन में पुराना लंदन दिखाया हुआ है। अबे यार मान लिया हमने कि ये लंदन ही है, पर इन अंग्रेजों के हाथ में ये फ्लैग्स पकड़ाने लाजमी थे क्या रे बाबा। और दिखाया ये लंदन हुआ है, पर ये बंदा लेफ्ट सीट पर बैठ के ड्राइविंग करता जा रहा है, जबकि लंदन में तो ड्राइविंग सीट होती ही राइट साइड पर है। मतलब वैसे ये मूवी एकदम फैमिली मूवी लग रही है, सो जरूर देखना, क्योंकि आजकल तो गूगल पर ये भी लिखो ना कि मूवी विदाउट किस, तो गूगल हरामी भी बोलता है। क्या रहा आजकल, बस इतना ही। अब टाइम आया है उस पिक्चर से पर्दा हटाने का, सो जल्दी से वीडियो को शेयर ठोको और लाइक ठोको, क्योंकि मिस्टेक इस मूवी में ये थी कि प्रैंक हो गया। जो मैं यार इंतजार कर रहा था पिक्चर कब आएगी, कौन सी मिस्टेक होगी, हमने तो ढूंढी थी लेकिन नहीं थी, नहीं मिली यार। ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ, हम लास्ट तक देखते रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे उनके साथ भी ये प्रैंक हुआ। ये सही तरीका है वाइट टाइम बनाने का, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो यार इतनी इतनी गलतियां निकाल दी सब बंदे, कैसे उसने अगर देख देख के गलतियां निकाल, देखा ना हम लोग अगर मूवी देखे तो हमें कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन इसने इतनी ज्यादा गौर से मूवी देखी, मुझे पता नहीं इसने पता नहीं 5-6-7 बार मूवी देखी कंप्लीट इसकी गलतियां निकालने के लिए। यार कैसे मतलब कर लेते हो,
तो यार कितना टैलेंट है यार इन लोगों के पास, इतनी मिस्टेक्स सोचने वाली बात है, इतनी तो आम बंदा भी नहीं निकाल सकता। तो ये तो मुझे लग रहा है किसी मूवी का डायरेक्टर शायरेक्टर लगता है जिस तरह इतने गलतियां निकाली है। इसने सही कहा की फिल्म है तो गाड़ी नहीं है मर्सिडीज की, 1984 की मूवी है तो कैमरे नहीं है DSLR, मतलब कुछ भी, लेकिन मूवी यार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। लेकिन गलतियां इंसानों से ही होती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक और बात, मिस्टेक्स कम और रोस्टिंग ज्यादा थी। हाँ तो फिर ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।